अर्चना को लड़की हुई। नॉर्मल डिलीवरी होने के कारण उसी दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। पहला बच्चा था, घर में सभी बहुत खुश थे। सासू जी बहू के आराम के लिए कमरे में बिस्तर लगा रही थी। बहू शाम को घर आ गई। बच्ची को देखने और अर्चना की खबर पूछने रिश्तेदार व पड़ोसी आने लगे। सासू माँ घर का सारा काम भी करती, अर्चना व बच्चे का ध्यान रखती और आने वालों का स्वागत भी करती। कहते हैं सभी एक जैसे नहीं होते, सभी अपनी अपनी सलाह अर्चना की सास को देकर जाते। अर्चना को सब अंदर सुनाई देता था। उसी समय एक पड़ोसी की पत्नी आई और कहने लगी, देखो वैसे तो हम डिलीवरी में पूरा मेवा, गोंद, घी, काजू, बादाम, पिस्ता सब डालकर लड्डू बनाते हैं, पर अपनी लड़कियों के लिए। अब बहू है और लड़की पैदा हुई है तो थोड़ा कम भी चल जाएगा। बादाम बहुत महंगे हो गए हैं ना, इसलिए 500 ग्राम के बदले 150 ग्राम ही ले लेना। और वैसे ही सभी मेवा थोड़ा थोड़ा कम कर देना और लड्डू कम न बने इसके लिए गेहूं का आटा ज्यादा ले लेना। अर्चना की सास सब सुनती रही, अंदर अर्चना भी सब सुन रही थी। पड़ोसन चली गई। ससुर जी बोले, देखो मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम मुझे लिखवा दो क्या लेके आना है, कोई चीज बाकी ना रहे। अर्चना के सास ने सामान लिखवाया, हर चीज उनकी लड़की के डिलीवरी के समय से ज्यादा ही थी। ससुर जी ने पूछा, इस बार सभी सामान ज्यादा है क्या, तुम भी लड्डू खाने वाली हो? तब अर्चना की सास बोली, सुनो, जब बेटी की डिलीवरी आई थी तब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी और आवक भी कम थी, तब अब अकेले कमाने वाले थे, अब बेटा भी कमाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहू के समय में वो सब चीज़ें बनाऊँ जो बेटी के समय नहीं कर पाई। क्या बहू हमारी बेटी नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चा होते समय तकलीफ तो दोनों को एक सी ही होती है, इसलिए मैंने बादाम ज्यादा लिखे हैं। लड्डू में तो डालूंगी ही, पर बाद में भी हलवा बनाकर खिलाऊंगी, जिससे बहू को कमजोरी नहीं आए और बहू पोती हमेशा स्वस्थ रहे। अर्चना अंदर से सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। और थोड़ी ही देर बाद जब सासू जी रूम में आई तो अर्चना बोली, क्या मैं आपको मम्मी जी की जगह मम्मी कहूँ? बस फिर क्या, दोनों की आंखों में आंसू थे। कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए।